इसमिल्मा अल्लाम जी बच्चो क्या हाल हैं जी आपके ठीक हैं सब अच्छा भाई बच्चों काफ़ी देर के बाद टेन पॉइंट टू एक्सरसाइज आप लोगों के सामने है अब इंशाल्लाह इसको पूरा बनाते हैं एक ही बड़ी वीडियो के अंदर तो चलें शुरू करते हैं आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री है ठीक है साइन काज टेन और उसके जो बहन भाई हैं वो सारे इसमें इन्वॉल्व होते हैं सारे और मेन चीज़ फिर वही है फार्मूले आपने याद करने हैं फार्मूले जितने लिखेंगे याद करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होना है उतना ही आप और डेफिनेटली आप प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो कोई भी काम है ज़ाहिर है मेहनत करने से होता है करेंगे इन सारी चीज़ें हो जाती हैं ओके सो क्वेश्चन नंबर वन ये है उसने कहा हुआ है कि साइन वन डिग्री प्लस थीटा दिया हुआ है और कहता है कि साबित करें या प्रूव करें कि वो माइनस साइन थीटा के इक्वल है सो so, ज़ाहिर है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास इसको हम ले लेंगे ठीक है एल एच एस लिखा वो जो जो भी रकम है उसको लिख लिया और देखें साइन का फार्मूला है पीछे मैंने आपको फार्मूले लिखवाए थे कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके इक्वल होता है साइन वन डिग्री और साथ ही इस वाले का कॉज क्योंकि एक दफ़ा साइन होता है एक दफ़ा कॉज होता है साइन वाले फार्मूले में ठीक है जब काज वाला फार्मूला है तो उसमें दोनों दोनों काज होते हैं फिर दोनों दोनों साइन होते हैं ये थोड़े से टोटके जो हैं, ये फार्मूलों के लिए आपको याद करने पड़ेंगे तो वन एटी का साइन हो जाएगा थीटा का, का काज हो जाएगा प्लस है तो प्लस ही रहता है साइन के फार्मूले में तो अगर काज का फार्मूला हो तो प्लस की जगह यहां पर माइनस हो जाता है ठीक है अब चूंकि आपने इसका साइन वन एटी का किया हुआ है तो अब जो है कॉज वन एटी कर दें और इस वाले का थीटे वाले का साइन कर दें इंटरचेंज कर देते हैं साइन वाले फार्मूले में चीज़ें इंटरचेंज होती हैं अब जब फार्मूला लिख लेना है, अब यही बेसिक चीज़ है फार्मूला क्योंकि बाकी काम तो कैलकुलेटर से आपका हो जाना है आपने वन का साइन लेना है कैलकुलेटर में आप लिखें साइन वन एटी लिखें इक्वल टू द जीरो आंसर आ जाएगा उसकी जगह ज़ीरो लिख दें काज वन जो है वो माइनस है ठीक है वो वैल्यू आपको मिल जाएगी वो लिख लें और अब चूंकि ये ज़ीरो है तो ये पार्ट तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ज़ीरो से ये मल्टीप्लाई होना है तो खत्म हो गया तो माइनस साइन थीटा और वही हमारी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड है तो दोनों साइड साइडें इक्वल हो जाएंगी तो ये छोटा सा सवाल है शार्ट सवाल है लेकिन जाहिर है फार्मूलों से होने हैं तो फार्मूलों की ऑलवेज प्रैक्टिस करें एक अलहदा पेज पर पे लिखते जाए सारे और बार बार उन्हें देखा करें ओके नंबर टू पे आ जाए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम पैटर्न है कॉज 180 डिग्री है प्लस थीटा तो डेफिनेटली हम इसे एक्सपेंड करवाएंगे इसे खोलेंगे हल करवाएंगे इसे तो ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी काज लिखा हुआ है तो कॉज का फार्मूला लगना है तो देखें कॉज 180 एंड कॉज थीटा दोनों एंगल्स का कॉज होता है प्लस हो तो माइनस हो जाता है और फिर दोनों एंगल्स का साइन हो जाता है सही है अब वही बात कॉज 180 और साइन 180 आप कैलकुलेटर पे ले लें तो वो वैल्यूज़ ले के आप उनकी जगह पर लिख दें यहाँ माइनस वन है यहाँ ज़ीरो है ये पार्ट फिर खत्म हो जाएगा माइनस कॉस थीटा रह जाएगा वही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी थर्ड वाला पार्ट देख लें उसी तरह से है लेकिन यहाँ पे अब है टेन टेन टू सेवेंटी माइनस थीटा दो एंगल्स हैं लेकिन टेन है तो इसके दो तरीके हैं या तो टैन का डायरेक्ट फार्मूला लगा लें या फिर जैसे मैंने ये किया है कि टैन को हमें पता है साइन ओवर कॉज लिख सकते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं तो इस तरह कर लें ऊपर साइन जो एंगल है वो सारा और नीचे cos और साथ एंगल उसका अब अगेन ऊपर जो है साइन का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे नीचे सारा cos का फार्मूला एक्सपेंड कर लेंगे साइन टू cos कॉस थीटा ठीक है कॉस टू सेवनटी साइन थीटा ऐसे करके साइन वाले फार्मूले में इंटरचेंज होते हैं ना और कॉस टू सेवेंटी एंड कॉस थीटा ये अभी मैंने पीछे करवाया सारा तो जब ऐसे लिख लेंगे तो फिर वही बात कैलकुलेटर में आपने साइन टू सेवेंटी डिग्री देखना अब मैं एक दफ़ा कर देता हूँ बाज़ बच्चों को नहीं पता होगा तो वो देख लें जिनको पता है उनके लिए ओके okay है तो आपने ये साइन का बटन दबाना है 270 ये डिग्री दबानी है जो भी जाहिर एंगल हो 180 है 90 है वो दबाएं और फिर ज़ाहिर उसके बाद बराबर का निशान दबा दें तो वो आपको वैल्यू दे देगा ये देखें यहाँ पे आ रहा है माइनस वन ठीक है इस तरह से करके वैल्यूज़ जो है वो आप लेते चले जाएँ सो so, इनकी वैल्यूज़ जो जो आई वो हमने लिख ली फिर वही बात ये जीरो है ये जीरो है ये दोनों खत्म हो जाएंगे तो रह जाएगा माइनस काज थीटा और नीचे रह जाएगा माइनस साइन थीटा तो दोनों माइनस वाली चीजें रह गई माइनस माइनस कट गया काज ओवर साइन साइन ओवर काज हो तो टैन होता है ना तो काज ओवर साइन हो तो काट हो जाता है तो यही हमारी राइट हैंड साइड हो गई तो ये तीसरा पार्ट भी हो जाता है तो ये बेसिक काम फिर वही है जस्ट फार्मूले लगाने हैं आपने ओके okay, यहां पे देखें फार्मूला किसका लगना है काज का ये आपके सामने है स्टेप ये हमने फार्मूला लगा दिया वैल्यूज़ लगाई एक जगह माइनस वन एक जगह ज़ीरो अच्छा यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम साइन और कॉज कर रहे होते हैं ना तो एंगल जब सेम आ रहा होता है ना तो अगर एक जीरो हो रहा है तो दूसरा वन हो रहा होता है ऑटोमेटिकली ये इनका अजीब सा टोटका है ठीक है एंगल सेम हो ना तो एक ज़ीरो हो तो दूसरे ने डेफिनेटली वन होना होता है बहरहाल बाकी जो तो कैलकुलेटर्स हमें दे ही रहा होता है सो बहरहाल ये वाला जीरो है ये खत्म हो जाएगा माइनस कॉज रह जाएगा वो हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गई सही है यहाँ आ जाए बिल्कुल सेम पैटर्न कॉज का फार्मूला लगना है जस्ट आपको मैं दिखा देता हूँ गो थ्रू करा देता हूँ सही है जी बिल्कुल सेम पैटर्न डन हो गया आगे चले सिक्स वाले पे ये भी सेम है साइन का फार्मूला है साइन थीटा कॉस टू और फिर कॉस थीटा और साइन टू सेवेंटी ठीक है फार्मूला ऐसे याद करें इसे रट्टा मारे फार्मूले को टू सेवनटी काज जीरो होता है टू सेवनटी साइन माइनस वन होता है ये पार्ट खत्म हो गया क्योंकि ज़ीरो है जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है और माइनस कॉस थीटा तो वो हमारी राइट हैंड साइड हो गई इसका सेवन वाला पार्ट अब यहां मैंने दूसरा फार्मूला लगाया क्योंकि देखिए टेन है सो so, टेन का दूसरा फार्मूला भी आना चाहिए जो जो कि आगे बहुत यूज़ होना है उसने तो इसलिए बजाय साइन ओवर कॉज करने के आप ये प्रोसेस भी कर सकते हैं टेन के फार्मूले में क्या होता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं ऊपर दोनों का टेन लें और प्लस का साइन अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लगाएँ ठीक है और अगर यहाँ प्लस है तो नीचे माइनस ज़रूर कर देते हैं चेंज कर देते हैं अगर माइनस का फार्मूला होता तो यहाँ माइनस होता है नीचे प्लस हो जाता नीचे साइन चेंज होता है ठीक है तो टेन वन एटी प्लस टैन थीटा और नीचे वन माइनस ठीक है ये ऑलवेज होता है वन माइनस फार्मूले का हिस्सा है और फिर इन दोनों का टेन मल्टीप्लाई में यहाँ ऊपर प्लस हो रहा है यहाँ नीचे मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं दोनों तो बहरहाल ये इसका फार्मूला है तो फिर वही कैलकुलेटर पकड़ें वन एटी का टैन लें ज़ीरो होता है ठीक है तो जब ये पार्ट यहाँ जीरो आ गया ये टेन थीटा तो वैसे ही रहेगा तो इधर भी टेन वन एटी उसमें भी ज़ीरो होना है अब ये जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये पार्ट भी खत्म हो गया ये भी खत्म हो गया तो रह कौन गया टेन थीटा ओवर ये वाला वन सही है और वो इक्वल टू तो टेन ही है ओवर में वन तो कुछ भी नहीं होता तो वो भी राइट हैंड साइड इक्वल हो गई दोनों चले आगे चलते हैं एट वाला पार्ट देख ले बहुत सिंपल कॉज का फार्मूला है कॉज थ्री सिक्सटी माइनस थीटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू तो दिस वन काज का फार्मूला खोल रहे हैं दोनों का कॉज प्लस दोनों का साइन ठीक है ना क्योंकि अगर माइनस हो तो यहाँ प्लस हो जाता है कॉस थ्री सिक्सटी वन है साइन थ्री सिक्सटी जीरो है ये पार्ट खत्म हो गया कॉस थीटा वन और कॉस थीटा और ये हमारी राइट हैंड साइड ये शार्ट क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह पेपर में आने के काफ़ी चांसेस होते हैं इनके क्वेश्चन नंबर टू पे आ जाए वन हो गया हमारा पूरा बड़ा सिंपल सा था फार्मूले लगाई जाएँ साइन कॉज और टैन ये तीन फार्मूले हम बार बार लगा रहे हैं ओके क्वेश्चन नंबर टू में आ जाए अब यहाँ थोड़ी सी ट्रिक उसने दी है कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग साइन 15 डिग्री कैलकुलेट करें अब ज़ाहिर है कैलकुलेटर पे तो बड़े आराम से आ जाएगा वैल्यू आंसर आ जाएगा लेकिन ज़ाहिर है हमने वो पॉइंट वगैरह में आंसर नहीं देना उसके लिए उसने हिंट दिया है कहता है पंद्रह डिग्री है ना तो आप उसके दो एंगल्स बना लें फोर्टी फाइव माइनस थर्टी पैंतालीस में से तीस निकालें तो पंद्रह ही आता है ना तो पंद्रह को आप ये शेप दे दें अभी इस शेप से क्या होगा कि दो एंगल्स हैं जब दो एंगल्स हैं तो फिर दो एंगल वाला फार्मूला साइन का लग जाएगा ना साइन 45 फाइव 30 थर्टी फिर काज 45 और साइन 30 वो हम ऐसे लिख लेंगे और यहाँ यहाँ बड़ी अहम बात कैलकुलेटर में तो मिलेंगी वैल्यूज लेकिन कैलकुलेटर में मिलेंगी पॉइंट्स में तो फिर आपने क्या करना है वो जो एक छोटा सा टेबल बनाते हैं वो उसको याद कर लें मैं चले अगली वीडियो में इनशाला मैं आपको दिखा दूंगा या इसी कैंड पे दिखा दूं इसी कैंड पे दिखा दूंगा वो टेबल बना बनाया ठीक है ना तो वो टेबल आपने याद कर लेना है। और याद करना चाहिए क्योंकि बड़ी अहम चीज़ होती है उसमें भी टोटके हैं मैं मे भी शायद किसी वीडियो मैंने बताया था लेकिन एक दफ़ा फिर बना लेते हैं इन ठीक है तो ये वैल्यूज आपने अगेन रट्टा मारनी है याद करनी है बहुत अहम चीज़ें हैं साइन 45 जो है ना ये वन ओवर टू अंडर रूट होता है अगर पहले से नहीं याद तो अब साथ साथ याद कर लें कास 30 जो है वो थ्री अंडर रूट ओवर टू है का अच्छा एक बड़ी मज़े की बात साइन 45 और कॉस 45 ये हमेशा सेम हम होते हैं और क्या होते हैं वन ओवर टू अंडर रूट इधर भी देखें वही है उधर भी वही है ठीक है और उल्टा अब ये चीज़ें फिर मिक्स हो जाएंगी जब फार वो लिखूंगा ना वैल्यूज फिर समझाऊंगा बार वाला भी जस्ट लिख ले कॉस थर्टी ये है कॉस फोर्टी फाइव ये है साइन थर्टी ये है लिख लिया ऐसे अब देखें गौर करें तो दोनों का ओवर सेम है इसके ओवर में भी टू अंडर रूट टू है इसके भी ओवर में टू अंडर रूट टू है ठीक है तो बहरहाल थ्री अंडर रूट वन जार थ्री अंडर रूट और ऊपर भी वन वन जार वन तो हम ये चीज़ इसको ऐसे एक स्टेप और बना देंगे और ओवर चूँकि उनका सेम है तो सेम चीज़ लिख के एलसीएम का जो तरीका होता है ऊपर वाली वैसे के वैसे ही लिख देते हैं जब नीचे सेम हो ऊपर वाली वैसे ही आ जाती हैं और वो एलसीएम हो जाएगा उसका ये माइनस नहीं हो सकती ना क्योंकि ये अंडर रूट है ये वन है तो बस ऐसे ही आंसर उसको दे देंगे डन हो गया अब इसी पैटर्न पे बाकी भी हल हो जाएंगे देखें आगे काज़ फिफ्टीन दिया हुआ है तो जाहिर है फिफ्टीन को वही फोर्टी फाइव माइनस थर्टी करें काज का फार्मूला खोल लें काज फोर्टी फाइव काज थर्टी काज फोर्टी फाइव काज थर्टी और फिर दोनों का साइन कर दें और देखें ये बड़ी अहम बात माइनस है तो यहाँ प्लस ठीक है ये याद रखना है फिर वैल्यूज लगानी है वैल्यूज़ लिख लें ठीक है और ओवर में फिर उनका सेम आ रहा है थ्री अंडर रूट वनजार थ्री अंडर रूट वन वन जार वन और ओवर में जो आ रहा है टू अंडर रूट टू दोनों का आ रहा है सेम और जाहिर है जब सेम आ रहा हो तो ऊपर वाली भी वैसे ही लिख देते हैं एग्जैक्ट जैसे पार्ट वन हमने किया है इसका तो उसी तरह से ये पार्ट टू भी हो जाएगा चले क्वेश्चन नंबर वन के सॉरी तो टू तो के हमने दो पार्ट कर लिए हैं थर्ड वाले पार्ट पे आ जाए अब डेफिनेटली यहाँ टेन है तो कोई मसला नहीं है टेन का फार्मूला हमने याद किया होगा तो टेन फिफ्टीन क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव माइनस थर्टी दो एंगल्स आ गए फार्मूला लगा दे पहले वाले का टेन माइनस दूसरे वाले का टेन और माइनस है, है तो माइनस लगाना है जब आप यहाँ माइनस लिख लेंगे तो ऑटोमेटिकली माइंड में आ जाएगा कि नीचे प्लस लगाना है वन प्लस और फिर यही दोनों वापस आते लेकिन अब मल्टीप्लाई की शक्ल में है ठीक हो गया अब टेन फोर्टी फाइव वन होता है और टेन थर्टी डिग्री वन ओवर थ्री अंडर रूट है ये वैल्यूज याद करने वाली हैं और नीचे भी टेन फोटी फाइव वन हो गया थर्टी जो है वन ओवर थ्री अंडर रूट अब देखें ऊपर भी, भी ओवर बन रहा है नीचे भी ओवर बन रहा है तो हमें दोनों जगह पे एलसीएम लेना पड़ेगा ना तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या होगा क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है इस वन के नीचे तो इसका चूंकि ओवर है ना थ्री अंडर रूट तो वही थ्री अंडर रूट उसका एलसीएम uh, जो है वो बन जाना है और फिर क्या होता है यही थ्री रूट इस वन से मल्टीप्लाई होकर यहाँ आ जाता है और उसके ऊपर जो माइनस वन ये है वो वैसे ही आ जाएगा इसी पैटर्न पे नीचे भी एलसीएम ले लेंगे ये वन समझे नहीं है वन 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 जर वन ही हो जाना ना उसने तो वन प्लस वन ओवर थ्री अंडर रूट तो ऊपर था वन माइनस वन ओवर थ्री अंडर रूट तो जो ऊपर बना है वही नीचे बनना है तो देखें नीचे भी हमने वही बनाया सारा जो ऊपर बनाया वही नीचे बनाया लेकिन सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क है क्योंकि उसके अपने पास माइनस है उसके अपने पास प्लस है तो और जब ये देखें इसके ओवर में भी थ्री अंडर रूट है इसके ओवर में भी थ्री अंडर रूट है तो ये दोनों कट जाते हैं आपस में ठीक है बाकी ये रकम ओवर में ये रकम बस ये लिख दें आंसर दे दें उसे ठीक हो गया चले फोर वाले पार्ट पे चलते हैं उसी पैटर्न पे साइन 105 डिग्री अब पंद्रह नहीं है 105 है तो 105 को आप ये बना लें 60 और ठीक है ना 60 और 45 क्योंकि चूँकि साइन का एंगल है तो साइन के अब लगाएं फार्मूला साइन 60 कास 45 फाइव काज सिक्सटी साइन फोटी और वो टेबल से हम वैल्यूज़ लेके तो यहाँ जो है वो लिख लेंगे सही है थ्री अंडर रूट ओवर टू ये टेबल आपने याद कर लेना है ओके सो ये और और जाहिर है कि इसको कैसे हल करना है अंडरस्टूड बिल्कुल वही चीज़ है जो पे जैसे पीछे हल करते आ रहे हैं थ्री अंडर रूट वन जार थ्री अंडर रूट वन, वन वन जार वन है नीचे उनका सेम है वही एल्सीम दे दें ऊपर वालियों को वैसे लिख लें ऐसे ही किया अभी पीछे भी सारा सही है आगे चलें नंबर फाइव बिल्कुल सेम काज अभी पिछला साइन में था ये काज में आ गया तो ये बस देख लें क्योंकि सेम चीज़ें हैं सारी की सारी सही है स्टेप देख लें वैसे ही है आप देख के समझ लें और कर लें इसे आगे चलें टेन वाले पे आ जाएं टेन में भी एक सौ पाँच है तो साठ और पैंतालीस कर लें और टेन का फार्मूला लगा लें टेन सिक्सटी प्लस टेन फोर्टी फाइव और ओवर में वन माइनस टेन सिक्सटी एंड टेन फोर्टी फाइव तो वो लिख लेते हैं ये देखें मैंने लिखा सही है ना ये सारा लिख दिया और टेन सिक्सटी थ्री अंडर रूट टेन 45 फाइव वन होता है ये वन भी टेन सिक्सटी थ्री अंडर रूट टेन 45 फाइव वन होता है ना लिखें कोई मसला नहीं है और बस क्योंकि इसका फर्दर हो नहीं सकता कुछ तो बस ठीक है ओके हो गया क्वेश्चन नंबर थ्री पे आ जाते हैं प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है आप लेफ्ट हैंड साइड पे गौर करें साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा तो डेफिनेटली साइन का फार्मूला यहां लगता हुआ नज़र आ रहा है तो हमने इसी को ले लेना लेफ्ट हैंड साइड को और यहां साइन का फार्मूला लगा देना है खोल देना इसका फार्मूला एक्सपेंड कर देना है साइन फोर्टी अभी पीछे पड़ा था वन ओवर टू अंडर रूट होता है काज अल्फा और काज फोर्टी फाइव वन ओवर टू अंडर रूट फिर साइन अल्फा ठीक है अब देखे दोनों के साथ वन ओवर टू अंडर रूट है तो आप कामन ले लें ले उसे कामन ले लिया उसे काज अल्फा रह गया साइन अल्फा रह गया यही हमारी राइट हैंड साइड है बस देखें कितना छोटा सा सवाल है ठीक है जी तो ये भी हो जाता है आगे चलें जी इसका सेकंड पार्ट काज अल्फा प्लस फोर्टी फाइव जाहिर है वैसे ही करेंगे ना हम इसको ठीक है तो उसी तरह से इसी चीज को ले लें लेफ्ट हैंड साइड को और काज का फार्मूला खोल दें कॉज एल्फा कॉज बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा दोनों जो वैल्यूज हैं और 45 45 दोनों में आ रहा है वही वन ओवर टू अंडर रूट वन ओवर टू अंडर रूट होगा उसी को कामन ले लें कॉज एल्फा माइनस साइन एल्फा तो बिल्कुल वही पैटर्न सारे का सारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाए जी फोर में है टेन फोर्टी फाइव डिग्री प्लस ए, ए एंगल है ये भी कोई और यहाँ देखें कोई में प्लस माइनस नहीं है डॉट है मल्टीप्लाई है तो ये सारी चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है इस चीज़ से और आंसर वन आना चाहिए तो कोई मसला नहीं है इन दोनों के फार्मूले खोलेंगे एक्सपेंड करेंगे तो इधर भी इधर भी इधर प्लस वाला फार्मूला है इधर माइनस वाला तो वो अगले स्टेप में हमने उसको किया है अगले पेज पर पे। तो वो जरा हम देख लेते हैं सो देखें टेन फोर्टी फाइव प्लस टेन ए नीचे वन माइनस टेन फोर्टी फाइव टेन ए यहाँ ऊपर इधर प्लस वाला फार्मूला था ना तो इस साइड में माइनस वाला फार्मूला लगना है ये थोड़ा सा अगर नजर नहीं आ रहा क्लैरिटी ये देखिए सही है हो गया अब वही बात टेन फोर्टी फाइव वन होता है टेन ए वैसे ही आएगा ये भी वन हो जाना है तो जहा वन को ना लिखें टेन ए वैसे ही आ जाएगा यानी वन प्लस टेन है यही चीज उधर बननी है लेकिन ऊपर माइनस हो जाना नीचे प्लस हो जाना क्योंकि वो माइनस का फार्मूला था ना ऊपर सो so, अब देखें ये सेम चीजें हैं ये चीज़ इससे कट जाएगी क्योंकि ये सेम है और ये वाली इससे कट जानी है क्योंकि वो सेम है तो फिर कट कट आके आंसर वन आ गया सही हो गया नंबर टू पे आ जाए ये है फिर टेन ही है लेकिन यहाँ प्लस है प्लस माइनस का बड़ा ध्यान रखना होता है कहाँ मल्टीप्लाई है कहाँ प्लस है कहाँ माइनस है तो इसके लिहाज से ही सवाल ने हल हो जाना होता है ओके सो so, इसके ऊपर टेन का फार्मूला इस पर टेन का फार्मूला बीच में प्लस सो so, देखें ये दोनों वैल्यूज़ ली हैं इधर देखें दोनों की जगह टेन का फार्मूला लग गया ना फर्स्ट जो एंगल है उसका टेन माइनस सेकेंड वाले का टेन जैसे फार्मूला लगाते हैं क्योंकि माइनस का है तो ऊपर माइनस यहाँ प्लस का है तो ऊपर प्लस नीचे माइनस हो जाता है चेंज हो जाता है अब वही बात टेन फोर्टी फाइव वन हो जाएगा टेन थीटा वैसे ही इसने भी वन हो जाना है वन यहाँ पर लिखें ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि टेन थीटा वनजर टेन थीटा ही होना ना उसने और यहाँ पे भी आप थर्ट थ्री पाई बाई फोर है अच्छा हाँ पाई बाई फोर को कैसे आप करेंगे फोर्टी फाइव क्योंकि पाई बाई फोर पाई होता है ना एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी को चार पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा फोर्टी फाइव तो ये पैंतालीस डिग्री एंगल ऐसे पता चला लें पाई याद रखना है पाई कितना है एक सौ अस्सी डिग्री और यहाँ पर भी यही करें एक सौ अस्सी को तीन से ज़रब दें फिर जाके चार पे डिवाइड करें तो आपको पता चल जाएगा एक सौ पैंतीस डिग्री है वन थर्टी फाइव तो 135 कैलकुलेटर में लिख के देख लें टेन 135 कितना होता है वो माइनस वन हो जाएगा ठीक है तो इधर माइनस वन लगा लिया इधर माइनस वन लगा लिया अब चूंकि देखें यहाँ वन क्यों लगा रहा हूँ इसलिए कि माइनस का वन था यहाँ क्यों नहीं वन लगाया इसलिए कि वो प्लस का वन था लिखे ना लिखें प्लस बेचारा शरीफ है उसने क्या कहना है माइनस का ध्यान रखना होता है माइनस पूरा सवाल बेड़ा कर देता है अगर आप मिस कर दें या ना लगाएं एक्स्ट्रा लगा दें कुछ भी तो माइनस का बड़ा ध्यान तो अब यहां चूँकि माइनस है ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वन प्लस टेन तो इसका भी ओवर वही है इसका भी ओवर वही है हम इनका एलसीएम ले सकते हैं तो वो अगले स्टेप में हम इनको करके देंगे ये देखें दोनों का ओवर सेम हो गया ऊपर जो भी बन रहा था वो हमने लिख लिया तो चूंकि ओवर सेम है तो हमने उसको एलसीएम भी शक्ल में लिख लिया और जब एलसीएम सेम होता है तो ऊपर वाली भी वैसे की वैसे लिख देते हैं जो उनके साइंस हैं वैसे का वैसे ही और अब क्या होगा माइनस वन इससे कटेगा माइनस टेन प्लस टेन से कट जाएगा तो ऊपर रह जाएगा ज़ीरो तो जीरो ओवर समथिंग हो तो वो जीरो ही होता है सही है जी तो ज़ीरो हो जाएगा लो जी आगे चले जी थर्ड वाले क्वेश्चन पे इधर साइन का फार्मूला लगना है इधर कॉज का फार्मूला लगना है को प्लस माइनस कट कट आके अल्टीमेट कॉज बन जाना सो देखें ये ज़रा छोटा छोटा करके साइन का पहले फार्मूला ये सारा साइन का फार्मूला साइन थीटा कॉज ई सिक्स और cos थ्री sin साइन पाइ बाई सिक्स और यहाँ cos का फार्मूला तो देखें पहले दोनों cos फिर दोनों साइन जैसे लगते हैं ठीक है और पाई बाई सिक्स कितना होगा पाई होता है एक सौ अस्सी एक सौ अस्सी को छः पे करें तो थर्टी डिग्री तो कैलकुलेटर पर देखें थर्टी डिग्री काज थर्टी डिग्री अगेन उस टेबल से देखें थ्री अंडर रूट ओवर टू ठीक है जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपसे और sin साइन जो है थर्टी डिग्री वन ओवर टू है सो वैल्यूज़ याद करनी है तो ये वैल्यूज़ लिख लें ठीक है अब जरा देख लें गौर कर लें कि यह है साइन थीटा और इसके साथ है थ्री अंडर रूट ओवर टू ये भी साइन थीटा इसके साथ है थ्री अंडर रूट ओवर टू लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव वाला है तो ये दोनों तो दो गे और ये दोनों कॉज के हैं लेकिन वन ओवर टू वन ओवर टू है हाफ हाफ आधे आधे तो दो आधी चीज़ें मिल के पूरी नहीं हो जाती ठीक है ना तो वन ओवर टू वन ओवर टू वन हो जाता है आधा आधा मिलके पूरा हो जाता है जो टोटका याद रख लें सो कॉज थीटा कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि वन ओवर टू वन ओवर टू ले ना तो वो वन आता है आंसर टू ओवर टू वन आ जाता है सो so, बहरा वैसे ज़ुबानी टोट का याद रख लें सो ये दोनों मिलकर काज हो गया तो so, ये थर्ड पार्ट भी हो गया फोर पार्ट पे आ जाए जी किधर गया चले सो so, ये फोर पार्ट हम लिख रहे हैं साइन थीटा माइनस थीटा और आगे टेन थीटा ओवर टू है ठीक है थीटा ओवर टू यहाँ थीटाज हैं ये थीटा ओवर टू है और नीचे भी उसी तरह से बना हुआ है तो यहाँ थोड़ी सी ना ट्रिक यूज़ करनी है एक तो ये है कि साइन काज तो पहले ही सिंपल फॉर्म में होते हैं ना तो वो चूंकि टैन है तो टैन को आप लिख लें साइन ओवर काज नीचे भी उसको टैन की जगह लिख लें साइन ओवर काज एक स्टेप तो ये बना देना उसका और दूसरा चूंकि ये ओवर में है ऊपर भी ओवर बन रहा है नीचे भी ओवर बन रहा है तो दोनों का एल्शियम ले लें इसका ऊपर वाले का लैदा से नीचे वाले का लैदा से अब एल्सियम कैसे होता है इसके नीचे तो इस वाले के नीचे कुछ नहीं है ना तो यही चीज एल्सियम आनी है कॉस थीटा ओवर टू देखें कॉस थीटा ओवर टू और जब वो कर रहे होते हैं तो यही नंबर इस वाले से मल्टीप्लाई होता है कॉस थीटा ओवर टू और साइन थीटा ये आ जाएगा माइनस का साइन पहले ही है और चूंकि ये यही जो उसका एल्सियम बना है तो इन दोनों ने ऊपर आ जाना वैसे ही और यही काम नीचे जो ऊपर हमने एग्जैक्ट एल्सियम लिया है बिल्कुल सेम पैटर्न पे नीचे बनना है लेकिन फर्क क्या होना है उधर उद माइनस है इधर प्लस है बस ये ध्यान रखना तो सेम चीज़ और फिर क्या होगा ये कॉस थीटा ओवर टू और ये कॉस थीटा ओवर टू कट जाएगा और ऊपर आप देखें कौन से फार्मूले बन रहे हैं साइन थीटा एंड कॉस थीटा तो साइन कॉज कॉस साइन हो तो ये साइन का फार्मूला होता है ना तो साइन का फार्मूला लेकिन माइनस का क्योंकि माइनस है बीच में तो साइन थीटा माइनस थीटा ओवर टू यही दो एंगल्स है ना थीटा और थीटा ओवर टू और नीचे काज काज साइन साइन है तो फिर नीचे काज का फार्मूला बन गया थीटा माइनस थीटा ओवर टू और साइन ओवर कॉज क्या होता है अब पहले तो जाहिर माइनस करा रहे हैं ना थीटा में से थीटा ओवर टू वही बात है एक पूरा थीटा है उसमें से हाफ थीटा आप निकलवा रहे हैं तो पीछे हाफ ही रह जाना है ये भी टोटका है ठीक है पूरी चीज़ में से आधी निकालेंगे तो आधी रह जाएगी नीचे भी वही हुआ है तो साइन ओवर काज मिलकर टेन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फाइव पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या है जी वन माइनस टेन थीटा और टेन फाइव है और वन प्लस टेन थीटा और टेन फाइव है और इसको हमने इक्वल प्रूफ करना है कॉज थीटा प्लस फाइव एंड कॉज थीटा माइनस फाइव ओके सो चूंकि इधर कॉज है तो जाहिर है इसको हमें छेड़ना कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इधर करना चाहिए क्योंकि टेन आपको पता है इसको आप साइन ओवर कॉज कर सकते हैं तो इसलिए हमें लेफ्ट हैंड साइड को ले कर ही हल करना चाहिए सो तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हम ले रहे हैं और वही काम कि हमें टेन की जगह पे साइन ओवर क्रॉस कर देना है इधर थीटा और फाई है तो जाहिर है एक दफ़ा थीटा में और एक दफ़ा फाई में ऊपर भी और नीचे भी दोनों दफ़ा कर दिया अब जाहिर है ऊपर भी एल्सीयम बनना है नीचे भी एल्सीय बनना है क्योंकि इधर भी वन है और इधर भी वन है ठीक है ना तो एल्सियम हमें लेना है और एल्सियम का तरीका आपको पता है इधर चूंकि कुछ ना ही होगा उसके नीचे तो ये जो ओवर वाली टर्म है ना कॉस थीटा कास फाइव इसने इधर आ जाना है यानी कास् थीटा कास फाइव यहां पे माइनस ये वाली चीज़ तो देखें ये हमने कैसे उसको किया है कॉस थीटा कास फाइव माइनस और ये जो उसका अपना है साइन थीटा साइन फाइव वो आ गया और चूंकि कास थीटा काज फाइव उसका ज़ाहिर है एल्सियम है तो उसके ओवर में भी आना उसने यही सेम स्टेप जो है हमने नीचे भी दोहरा देने हैं थीटा कॉस कासफाई उसका एलसीएम बनेगा कौस थीटा कॉस कासफाई वन से मल्टीप्लाई होके ये आ गया और आके जो अपना उसका ऊपर है वो आ गया ऐसे लिख लेना है और ऐसे करने के बाद फ़ायदा क्या होता है कि हमारे पास ये जो ओवर वाली टर्म्स हैं ये कट जाती हैं ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम होती है तो सिर्फ ये ऊपर रह जाएगी और नीचे ये रकम रह जाएगी हमने उसको सीधा करके लिख देना है अब गौर कर लें कि ऊपर काज का फार्मूला बन रहा है कॉज थीटा काज फाई है ना काज में दोनों काज पहले आते हैं फिर दोनों साइन आते आगे आते हैं और जो साइन का फार्मूला हो उसमें जाहिर दूसरा तरीका है तो ऊपर भी वही काज़ का फार्मूला बन रहा है नीचे भी कॉज का लेकिन ज़ाहिर है प्लस माइनस का फ़र्क है तो फिर ये क्या हो जाएगा दो एंगल्स है ना थीटा और फाई तो काज थीटा प्लस फाई प्लस क्यों लगाएंगे क्योंकि माइनस है यहाँ पे कॉज में ये उल्टा काम होता है ये याद रखें और नीचे चूंकि प्लस है तो वहाँ आप माइनस लगा दें ठीक है तो ये दोनों ऊपर भी कॉज नीचे भी कॉज बन जाएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है डन हो गया आगे चलेंगे ये क्वेश्चन नंबर फोर के पांच पार्ट हो गए हैं अब क्वेश्चन नंबर फाइव पे आ जाते हैं <coughs> है ये भी आसान कॉज अल्फा प्लस बीटा कॉज अल्फा माइनस बीटा इसको हमें प्रूव करना है इन दो चीज़ों के एक दफ़ा ये चीज़ बनानी है और एक दफ़ा ये चीज़ बनानी है तो बड़े आराम से हमें यही साइड को ले कर चलना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ये फार्मूले हैं हम इन फार्मूलों को एक्सपेंड करेंगे खोलेंगे ऑटोमेटिक पता चल जाएगा आगे क्या करना है सो देखें हमने साइड लेनी है दोनों को लिखा दोनों के फार्मूले लिख लिए दोनों कॉस के फार्मूले ना कॉज अल्फा कॉज बीटा माइनस प्लस हो तो माइनस ठीक है और फिर साइन अल्फा साइन बीटा यही चीज़ है आगे भी होनी है लेकिन इधर नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया अब यहाँ देखें तो ये बिल्कुल सेम चीजें हैं इसकी जो पहली टर्म है इसकी पहली टर्म के बराबर है दूसरी टर्म दूसरी के बराबर है और एक में नेगेटिव, एक में पॉजिटिव तो ये आपको वही फेमस फार्मूला नज़र आ रहा है ना ए, ए माइनस बी हो और ए प्लस बी हो तो क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर तो ये फर्स्ट टर्म का स्केयर देखें ऊपर स्केयर्यर्यर्यर्यर्यस लगा लिए माइनस सेकेंड टर्म का स्केयर बजाय सारे का स्केयर लगाने के अकेले अकेले दे दें उनको ठीक है ज़रा एक स्टेप बच जाएगा तो यहाँ तक आ जाए अब बीच में ये दो स्टेप मेरे से गलत हुए थे ठीक है अब देखें करना क्या है आपने वैल्यूज पुट करानी है देखें फॉर एग्जांपल हम पहले इसकी वैल्यू पुट कराते हैं आपको फार्मूला बेसिक पहला फार्मूला जो ट्रिग्नोमेट्री का होता है कि का स्केयर बीटा बराबर होता है वन माइनस साइंस केयर बीटा ठीक है ना वो हम लिख सकते हैं और अगर इसकी बीटा की वैल्यू लगाएंगे ना तो इस तरफ से आपने एल्फा की वैल्यू लगानी है ये थोड़ा सा टोटका कह लें याद रखना पड़ेगा वरना वो प्रूफ नहीं होगा जो हम करना चाह रहे हैं अगर इधर बीटा की लगाएंगे वैल्यू तो इधर अल्फा की लगानी है और दूसरी दफ़ा फिर एक दफ़ा इधर अल्फा की कर देंगे इधर बीटा की कर देंगे अब ये देखें ज़रा ये हम उसको चेंज कर रहे हैं ये यह यहां पे आ जाएँ आप लोग तो कास्ट केयर वैसे ही और वो जो कास्ट केयर बीटा था उसकी जगह पे हम लगा रहे हैं वन माइनस साइंस केयर बीटा माइनस और आगे अल्फा की मैंने कहा था वैल्यू लगाएं साइंस केयर एल्फा की तो वन माइनस कॉज केयर एल्फा और साइंस केयर बीटा वैसे ही अब ज़ाहिर है ये जो ब्रैकेट्स लगी हुई हैं इसका मतलब यही है कि हमें इनको मल्टीप्लाई करवाना है कॉस केयर एल्फ़ा वन जर कॉस केयर एल्फ़ा और कॉस केयर एल्फा इसके साथ जाएगा तो वो दोनों हो जाएंगे यहाँ से देखें एक तो ये माइनस है माइनस इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं और दूसरा ये जो साइंस केयर बीटा है ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइंस केयर बीटा वन ज़र साइंस केयर और साइंस केयर और कॉस्ट केयर ये इकट्ठे हो जाएंगे लेकिन ज़ाहिर है नेगेटिव से वो पॉजिटिव हो गया ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया तो अब देखें ये दो चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी और यही मकसद है क्योंकि ये एक जैसी होंगी तो कटेंगी क्योंकि वो नेगेटिव है वो पॉजिटिव है और बाकी जो है कॉस केयर अल्फ़ा माइनस साइंस केयर बीटा ये रह गया तो ये देखें आपने ये पहला पार्ट जो है ना उसका ये प्रूफ किया ये वाली चीज़ ठीक है ना अब यही जो चीज़ है ये जो इक्वेशन नंबर वन को हमने ये नाम दिया है ना ये वाला इसके अंदर मैंने अब कहा था अब देखिए हमने पहले इस रकम की और इसकी वैल्यू पुट कराई है ना तो अब दूसरी वालों पर आ जाएँ इस वाली पे और इस वाली पे आ जाए ठीक है कॉस केयर अल्फा की वैल्यू लगाएंगे और साइंस केयर बीटा की वैल्यू लगाएंगे तो वो देखें यहाँ हम लगा रहे हैं कॉस केयर अल्फा की वैल्यू ये लगा ली और इधर से हाँ साइंस केयर बीटा उसकी वैल्यू लगा ली डन हो गया अब आप आगे वही काम है मल्टीप्लाई इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया इस इसके साथ मल्टीप्लाई और साइन भी साथ चेंज हो गए ठीक है ना तो यहाँ पे भी वही काम ये दोनों इधर कट जाने और बाकी रह जाएगा कॉस्केयर बीटा और साइंस केयर बीटा सही है तो ये यह यहाँ थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है उस तरफ से अल्फा उस तरफ से बीटा ऐसे याद जेन में रखेंगे ना फिर हो जाएगा चलें जी क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आ जाए तो यहाँ क्या करना जी शो दैट कि ये सारी चीज़ इज इक्वल टू tan अल्फा अब डेफिनेटली इधर तो एक अकेली चीज़ है तो ये ज़्यादा चीज़ें हैं और यहाँ फार्मूले भी नज़र आ रहे हैं अब देखना बार बार फार्मूलों का काम है टेन के अंदर भी मैं यही कहता था फार्मूले याद करेंगे तो फ़ायदा होगा तो फार्मूले जितना जहन में रखेंगे उतना ही आप अप्लाई कर सकेंगे और सवाल हल हो जाएगा तो ये फार्मूले जस्ट लगाने हैं और बड़े आराम से हो जाएगा तो ऊपर दोनों साइन के फार्मूले खुलने हैं नीचे दोनों काज के होने हैं तो ये देखें आपके सामने लिख दिया सारा ठीक है फार्मूला आपको याद हो साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा एंड बलावला जैसे होता है अब इसमें भी वही काम होना है कि कुछ कट जाने हैं देखें कॉज अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फ़ा साइन बीटा ये दोनों है ना एक जैसे और वो नेगेटिव है और वो पॉजिटिव है और ये दोनों ऐड हो जाएंगे टू टाइम्स हो जाएंगे ये और नीचे से भी कुछ कटेगा ये नेगेटिव है ना ये वाला तो देखें साइन अल्फा साइन बीटा ये इसके साथ चला गया तो ये दोनों टू टाइम्स हो जाएंगे एक ये और एक ये तो अगले स्टेप में टू टू करके ये तो so, देखें और देखें दो स्टेप के अंदर आंसर है कितना बड़ा सवाल लग रहा था तो टू टाइम्स ये टू टाइम्स ये तो ये टू टू भी कट गया और फिर ये कोई और चीज भी कट रही होगी हाँ कॉस बीटा कॉस बीटा भी कट गया तो साइन अल्फा ओवर कॉस बीटा डेफिनेटली tan अल्फा ओके जी क्वेश्चन नंबर सेवन पे आ जाते हैं यहां क्या शो कराना है जी कि कार्ट ऑफ एल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू दिस वन अब देखें बुनियादी चीज़ यह है कि हमारे पास काट का कोई फार्मूला नहीं है फार्मूला हमारा टैन का है तो काट के ऊपर तो डायरेक्ट कोई फार्मूला लगा नहीं सकते तो फिर हम ये साइड को पकड़ लेंगे और उससे ये बना लेंगे ठीक है ना तो इस साइड को लेते हैं राइट हैंड साइड को वो हमने लिख लिया अब ये चूंकि काट हैं सारे तो काट आपको पता है क्या होता है काज ओवर साइन तो ये बेसिकली मैंने गलत लिख दिया था काज ऊपर है ये ऊपर काज है काज एल्फा ओवर साइन एल्फ़ा ठीक है इसी तरह कॉट बीटा है तो काज बीटा ओवर साइन बीटा अब ये अल्फा बीटा को भी जेन में रखना होता है ठीक है पहली बात तो ये याद रखनी है कि कॉट है तो काज ऊपर आना है और साइन नीचे आना है काज ओवर साइन लेकिन जो एंगल होगा वही एंगल लिखना है बीटा है तो बीटा लिखें अल्फा है तो अल्फा लिखें सही है यही काम नीचे भी कर दें ठीक है थोड़ा सा बड़ी चीज़ हो जाएगी ऊपर भी ओवर बन गए हैं नीचे भी ओवर बन गए हैं बटे बन गए हैं तो जाहिर है ऊपर भी एल्शियम बनेगा नीचे भी एल्शियम बनेगा अब ऊपर वाले का एल्शियम वही है जब वन आ जाए इधर तो ये दोनों नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाती हैं तो ये है साइन अल्फा ये मैं फिर दोहरा आ रहा हूँ साइन अल्फा है ये चीज़ साइन अल्फा साइन बीटा उधर जाएगा वन के साथ तो देखें साइन अल्फा साइन बीटा और इसकी ऊपर वाली चीज़ कॉज अल्फा कॉज बीटा वो वैसे ही साथ लिख ली और ये ही दोनों साइन अल्फा साइन बीटा उसका एल्शियम भी तो है यहाँ पर यह साइन है ठीक है ये असल में गलती हो गई भी है ये साइन अल्फा है साइन अल्फा साइन बीटा इसी तरह नीचे भी ज़ाहिर एल्सीयम बनेगा साइन अल्फा साइन बीटा ही एलसीएम आना है सही है और वही जो, जो क्रॉस हो जाते हैं साइन बीटा इसके पास साइन अल्फा इसके पास तो वो ये बन जाएगा और अगेन ये नीचे वाली और ये नीचे वाली ये कट जाती हैं तो आपके पास सिर्फ ये ऊपर वाली ये टर्म और ये टर्म रह जाएगी ये जो कि सीधी हो जानी है तो आप देख लें कि कौन कौन से फार्मूले हैं ऊपर दोनों काज और दोनों साइन है तो फिर काज का फार्मूला बना ना काज अल्फा प्लस बीटा माइनस है तो प्लस और नीचे काज साइन और साइन काज है तो फिर नीचे साइन का फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा क्योंकि प्लस है तो प्लस का ही बनता है तो काज ओवर साइन क्या होता है फिर वही काट ठीक है ना तो ये फिर बन जाएगा काट अल्फा प्लस बीटा और यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई डन हो गया चलें इसका सेकेंड पार्ट भी है और जाहिर है बिल्कुल सेम है सिर्फ फ़र्क क्या है कि इस सवाल में अल्फा प्लस बीटा था यहां पे है अल्फा माइनस बीटा तो मतलब क्या हुआ कि सारे स्टेप वैसे के वैसे ही होने हैं सो ये सवाल है हमने राइट हैंड साइड लेनी है वही काज ओवर यहाँ चले अच्छा क्लियर हुआ हुआ है वहां पे अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मेरे लिखने से तो यहाँ ये क्लियर लिखा हुआ है ठीक है काज अल्फा साइन अल्फा कॉज बीटा साइन बीटा प्लस वन नीचे भी वही ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम एग्जैक्ट सेम स्टेप सिर्फ प्लस माइनस का फर्क ठीक है ना और फिर ये चीज़ और ये चीज़ कटनी है इन दोनों को सीधा कर दें ऊपर ये काज का फार्मूला है नीचे ये साइन का फार्मूला है वो हमने लिख देना है काज ओवर साइन फिर कोट हो जाना है लेफ्ट हैंड साइड हो जानी है सो ये दोनों पार्ट सेम हैं ठीक है एक समझ आ जाए दूसरा ऑटोमेटिक लेकिन प्रैक्टिस ये हाल देखने से नहीं होगा आप खुद करके देखें एक एक स्टेप खुद करें ठीक है एक दफ़ा करे दो दफ़ा करे तीन दफ़ा ये बार बार करने पड़ते हैं सवाल मैथ है ना मैथ करने के बगैर नहीं हो सकता ठीक हो गया थर्ड पे आ है जी थर्ड पार्ट इसका टेन अल्फा टेन बीटा है नीचे भी टेन अल्फा टेन बीटा है ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है और इधर चूंकि साइन है तो साइन काज तो सिंपल होते हैं तो अगेन हमें ये साइड को हल करवाना है तो वो हमारी लेफ़्ट हैंड साइड है तो ज़ाहिर है वो हम लिखेंगे टैन है तो टैन साइन ओवर काज़ है तो उनको साइन ओवर काज की शक्ल में सबको कर दिया इधर भी इधर भी ठीक है ना साइन ओवर काज साइन ओवर काज सारे अल्फा बीटा साथ साथ उनके रहेंगे अब ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम ये एलसीएम आसान है क्योंकि ये क्रॉस हो जाते हैं ऊपर वाले का कैल्शियम क्या आना है कॉज अल्फा कॉज बीटा ये देखें लिख लिया और क्रॉस कॉज अल्फा इधर चला जाना है कॉज बीटा इसके पास आ जाना है साइन अल्फा कॉज बीटा ऐसे करके कॉज अल्फा साइन बीटा ऐसे करके और नीचे भी जो एग्जैक्ट ये बनाया वही से एग्जैक्ट नीचे बनना है जैसे सेम तरीका है ना दोनों का कैल्शियम का तो नीचे भी और फिर वही बात जैसे पीछे करते आ रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ कट गई और ऊपर देख लें कौन सा फार्मूला पहले चले एक दफ़ा सीधा कर लेना उनको सारी रकमों को ज़रा एक दफ़ा लिख लें जो बच गई हैं और ऊपर है साइन काज और कॉज साइन तो फिर साइन का फार्मूला ऊपर भी है नीचे भी है लेकिन ऊपर प्लस का नीचे माइनस का ऊपर प्लस कर दें नीचे माइनस कर दें ठीक है और बस दैट्स इट यही चीज़ थी दूसरी तरफ हमारे राइट हैंड साइड पे तो ये प्रूव हो जाएगी क्वेश्चन नंबर एट पे आ जाते हैं एट में आप कुछ उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं हमें पहले से थोड़ा सा अब स्टाइल चेंज होगा सवाल का साइन ऑफ़ अल्फा की वैल्यू दी हुई है और काज ऑफ बीटा की वैल्यू दी हुई है और कहता है शो कराएं कि ये जो साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा है उसका ये आंसर आता है अब हमें ये चीज़ निकालनी है फाइंड करनी है लेकिन अब जब आपको नज़र आ रहा है कि साइन एल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला खोलेंगे तो साइन के फार्मूले में तो साइन और काज दोनों आते हैं तो यहां देखें अल्फा का साइन है लेकिन अल्फा का कॉज कोई नहीं है हमारे पास तो हमें अल्फा का कॉज चाहिए फिर काज ऑफ बीटा है तो बीटा का कॉज है साइन कोई नहीं है तो फिर हमें साइन भी चाहिए होगा तो इन दोनों वैल्यूज से इनके जो अपने भाई हैं दूसरे काज़ और साइन वो हमें पहले फाइंड करने पड़ेंगे जब वो कर लेंगे ना तो फिर ये फार्मूला एक्सपेंड करके उसमें वैल्यूज़ लगा के आंसर निकाल लेंगे सो देखें पहले हम कॉज़ अल्फा फाइंड करने लगे हैं काज एल्फा का फार्मूला वन माइनस साइंस केयर एल्फ़ा अंडर उथ ठीक है ना वो जो बेसिक फार्मूला है साइंस केयर थीटा प्लस कॉस केयर थीटा इक्वल टू वन तो वहां से जब एक चीज़ को साइन को उठा कर दूसरी तरफ ले जाए तो वो काज हो जाता है ठीक है तो ये फार्मूला थोड़ा सा जेन में रखें तो साइंस केयर एल्फ़ा तो साइन एल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास फोर और फाइव वो आप इसकी जगह लगाएं फोर का स्केयर फाइव का स्केयर सोलह बटा पच्चीस वही फिर फाप उसका एल्शियम ट्वेंटी फाइव इधर आ गया ट्वेंटी फाइव में से सोलह निकाल दें तो नौ रह जाता है नाइन ओवर ट्वेंटी फाइव और इसका जब आप अंडर रूट लेंगे तो थ्री ओवर फाइव आएगा ठीक है और ये प्लस में लेना है क्योंकि असल में ये उसने ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि ये जो अल्फा बीटा दोनों एंगल्स हैं ना वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव ही होते हैं तो इसलिए ये जो आपने आंसर निकाला है तो ये भी पॉजिटिव ही आएगा कॉज का चाहे टेन हो कॉज हो साइन हो सब पॉजिटिव होते हैं पहले क्वाड्रेंट में ठीक है पहला रूबा उर्दू में ओके okay, इसी तरह साइन बीटा भी निकाल लें अल्फा निकला है अब साइन बीटा रह गया तो वो भी आप वन माइनस कॉस बीटा लगाएं कास बीटा की वैल्यू है हमारे पास पहले से सवाल में दी हुई है वो आप लिखें फोर्टी का स्केयर लें तो सोलह सौ फोर्टी वन का लें तो सोलह इक्यासी ठीक है और सोलह इक्यासी वन ज़्यादा सोलह इक्यासी होगा सोलह इक्यासी में से सोलह सौ सो निकाल दें एटी वन तो एटी वन ओवर सिक्सटीन एटी वन अंडर रूट लें तो नाइन ओवर फोर्टी वन ये भी प्लस में लिख लेना है अब चारों वैल्यूज़ हो गई हैं हमारे पास अब आगे से ईजी है आपने जस्ट बड़े आराम से साइन का फार्मूला लिख देना है साइन एल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल टू साइन एल्फ़ा कॉज बीटा माइनस कॉज एल्फ़ा साइन बीटा तो दोनों की वैल्यूज़ अब हर रकम की वैल्यू है हमारे पास बड़े आराम से देख देख के आप वैल्यूज लिख लें अब चूंकि ये डॉट होते हैं आपस में मल्टीप्लाई है तो फोर्टी फोर ज़ार वन सिक्सटी और नीचे भी ये मल्टीप्लाई इधर से थ्री नाइन ज़ार ट्वेंटी सेवन नीचे भी मल्टीप्लाई और बाद में हम उनको माइनस करा लेंगे एलसीएम ले लेंगे तो ये बड़े आराम से ये हो जाएगा एक सौ साठ बना है सत्ताईस बना है और अच्छी बात ये हुई है कि ओवर उनका सेम हो गया तो जब ओवर सेम हो जाए तो ऊपर जस्ट प्लस हो या माइनस हो वो करवा लेते हैं 160 में से 27 निकाल दें 133 हो जाएगा तो यही हमारा आंसर आना चाहिए था जो हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर नाइन जो है बिल्कुल वही चीज़ है थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि देखें यहां पे भी साइन ऑफ एल्फा की वैल्यू है साइन ऑफ बीटा की भी है दोनों काज नहीं है यहां पे ठीक है ना अल्फा का भी कॉज नहीं है बीटा का भी काज नहीं है तो वो हमें फाइंड करना है लेकिन ये याद रखना है कि ये दोनों अल्फ़ा बीटा हैं ये पाई से छोटा है और पाई बाई टू से बड़ा है मतलब सेकेंड क्वाड वो जो आप ऐसे करके बनाते हैं यहाँ तक तो 90 डिग्री होता है ना तो 90 से आगे ये 180 डिग्री है 180 से ले 90 तक ये वही बात कह रहा है सेकंड क्वार्टर एट अब सेकंड में और वो मैंने जो एक फार्मूला बेसिक सा आपको कहा हुआ है कि ये आप याद रखें एस्टिक ये याद रखना चाहिए हार्ड टैम ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एस्टिक तो ये क्या आप दिखाता है कि कौन कौन कहाँ पॉजिटिव है इसमें ऑल पॉजिटिव है इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव है तो हम चूंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हैं तो जो साइन की वैल्यूज़ हैं वो सिर्फ पॉजिटिव होंगी अब जब हमने काज निकालने हैं तो उसके आंसर हम माइनस में रखेंगे इसकी वजह से जो उसने इंफॉर्मेशन हमें बताई है तो बाकी फार्मूला तो वही है जैसे अभी पिछले सवाल में लगाए कॉज एल्फ़ा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्केयर एल्फा साइन की वैल्यू लगाएं वो फोर ओवर फाइव थी तो उसका स्केयर ले लेंगे पच्चीस में से सोलह लें तो वो नाइन ना आ गया इसका अंडर रूट लें तो थ्री ओवर फाइव लेकिन माइनस में ये मैं असल बात बता रहा था आपको यही काम सारा बीटा के लिए करना है साइन बीटा की वैल्यू लगा के स्केयर ले कर माइनस करा के ये आंसर आ गया और यहाँ पर भी माइनस लिख लें साथ ठीक हो गया दोनों अब चारों वैल्यूज़ हैं हमारे पास अगला काम आसान हो जाता है साइन अल्फा प्लस बीटा का आप फार्मूला एक्सपेंड करा दें खोल दें अब उनकी वैल्यूज़ लगा दें साइन अल्फा की बुला बुला जैसे भी है बड़ा इजी सा काम है माइनस का ज़रूर ध्यान रखा करें वो साथ लगाएँ ये फाइव फाइव कट जाते हैं फोर ओवर थर्टीन और यहाँ कुछ कटता नहीं है तो मल्टीप्लाई करा दें बारह तीन बार छत्तीस और ये पैंसठ और फिर इसका एल्म ले लें एल्म जैसे होता है आपके सामने है। चूँकि थर्टीन फाइव ज़ार सिक्सटी फाइव होता है सिक्सटी फाइव ही एलसीएम आना है और ये जब सेम हो ऊपर वाली एज इट इज थर्टीन फाइव ज़ार फाइव ऊपर मल्टीप्लाई होगा फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी ये मैं सैकड़ों दफ़ा बता चुका हूँ ये चीज़ें ठीक है तो ये दोनों चूंकि नेगेटिव हैं वो इकट्ठे हो जाएंगे एंड सो ऑन आंसर आ जाएगा पार्ट टू पे आ जाते हैं पार्ट टू में है कॉज ऑफ एल्फा प्लस बीटा और काज का फार्मूला हमें पता है हम उसे एक्सपेंड कर सकते हैं लिख देते हैं दोनों काज फिर दोनों साइन और माइनस अब चूंकि वही बात है कि ये चारों चीज़ें हमारे पास हैं पहले से तो ज़ाहिर है सिर्फ वैल्यूज़ ही लगानी है क्योंकि वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हुई हैं नाइन्थ क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है तो जो वैल्यूज़ हमारे पास बनी हुई हैं उन्हीं को हमने इस्तेमाल कर देना है काज अल्फा कॉज बीटा ठीक है साइन अल्फा साइन बीटा सब की वैल्यूज़ हम लगा देंगे अब देख लें ये दोनों माइनसेज प्लस हो गए और फाइव फाइव यहाँ से भी कट रहा है थ्री ओवर थर्टीन ये रह जाएगा और फोर ट्वेल्व ज़ार फोर्टी एट हो गया और फाइव थर्टीन ज़ार सिक्सटी फाइव हो जाएगा फिर उसी तरह से एलसीएम और करकर कर आ के आपके पास ये आंसर आ जाएगा तो सेकेंड पार्ट बड़ी जल्दी हो जाता है क्योंकि वैल्यूज़ पहले से हमने कैलकुलेट की हुई हैं और इसी तरह से यहीं से वो कहता है टेन भी फाइंड करें टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये और जल्दी हो जाएगा क्योंकि टेन के अंदर साइन और काज़ यूज़ होते हैं साइन ऑफ़ एंगल और काज़ ऑफ एंगल ठीक है ना टेन है तो हमने साइन ओवर काज बना दिया और साइन और काज़ दोनों हमने पीछे कैलकुलेट किए हैं ये अभी हम पार्ट वन के अंदर साइन कैलकुलेट किया था ना ये वाला और हमने पार्ट टू के अंदर जो है वो कॉज की वैल्यू इस कॉज की वैल्यू हम ये फाइंड की है तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने यहाँ पे यूटिलाइज़ कर लेनी है लगा देनी है अब यहाँ क्या होगा ऊपर भी ओवर है नीचे भी ओवर है तो इनकी जो 65 65 है ये कट जाना है दोनों माइनसेज़ ने कट जाना है तो फिफ्टी सिक्स ओवर थर्टी जो है वो रह जाएगा तो ये हमारा थर्ड पार्ट भी हो जाता है फोर पार्ट के अंदर अगेन सिंपल काम है साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा फार्मूला एक्सपेंड कर लें वैल्यूज लगाएं और हल कर दें ठीक है ये सिंपल काम है आपको स्टेप दिखा देता हूँ इसी तरह पांचवा पार्ट बिल्कुल उसी तरह से है कॉज का फार्मूला है अल्फा माइनस बीटा तो फार्मूला पहले एक्सपेंड कर लें कॉज अल्फा काज बीटा प्लस साइन एल्फ़ा साइन बीटा वो लिख लें वैल्यूज़ लगा ली माइनस माइनस प्लस हो गया बाकी अगेन आपके सामने ही है बड़ा सिंपल सा काम है और फिर यहीं से टैन है टेन एल्फ़ा माइनस बीटा तो साइन ओवर कॉज लिख के ऊपर साइन वाली वैल्यू जो हमने यहाँ कैलकुलेट की थी सिक्सटीन ओवर सिक्सटी फाइव और नीचे ये वाली कॉज वाली वैल्यू यूज़ कर लेंगे ठीक है तो ये देखें लगा दी तो सिक्सटी फाइव ओवर सिक्सटी फाइव फिर कट गया तो सोलह बटा तिरसठ जो है ये आ जाएगा सो so, डन हो गया तो ये सिक्स पार्ट इसका भी हो जाता है अब सवाल में उसने ये भी पूछा हुआ था कि ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है और अल्फा प्लस बीटा है वो किस क्वाड्रेंट में आते हैं ठीक है और ये हमें ज़रा देखना पड़ेगा कि हमने वो जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट पीछे की हैं साइन की और कॉज की और टैन की उनकी वैल्यूज़ क्या हैं उनके उनकी वो जो क्या उसको कहते हैं सिंबल्स क्या हैं उनके ठीक है तो हमने जब अल्फा माइनस बीटा के लिए कैलकुलेशन की थी ना तो उसमें हमने अभी पीछे देखा है कि साइन कॉज और टेन सारे पॉजिटिव आए हैं अल्फा माइनस बीटा के लिए अगर आप यहाँ देखें गौर करें उसे तो ये देखें अल्फा माइनस बीटा वाला था ना तो उसमें देखें हमारा साइन का आ, आंसर है वो पॉजिटिव आया हुआ है ठीक है कॉज का जो आंसर है वो भी हमारा पॉजिटिव आया है तो उनकी वजह से टैन का भी आंसर पॉजिटिव ही आना है तो अल्फा माइनस बीटा की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो प्लस में आई हैं तो जब सारी प्लस में आई हैं तो फिर ये जो अल्फ़ा माइनस बीटा है ये फिर फर्स्ट में ही होगा क्योंकि फर्स्ट के अंदर ये केस होता है कि सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं ठीक हो गया और अल्फा प्लस बीटा का भी देख लें पीछे वहाँ अगर आप चेक करेंगे तो साइन उसका नेगेटिव आया था अल्फा प्लस बीटा का कॉज़ जो है वो नेगेटिव आया और टैन पॉजिटिव आया ठीक है तो वो फिर हमें देख लेना है कि उस हिसाब से ये कहाँ लाई करता है क्योंकि जो थर्ड क्वाड्रेंट है थर्ड क्वाड्रेंट में देखें टेन पॉजिटिव होता है और जब एक टेन पॉजिटिव हो गया तो साइन और काज दोनों ने नेगेटिव आना है ठीक है तो फिर उस हिसाब से तो हम कह देंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर नाइन जो है ये पूरा होता है तो so, आगे क्वेश्चन नंबर टेन पे चलेंगे टेन के अंदर उसने अगेन कुछ वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए कहा है साइन अल्फा प्लस बीटा ये हमें कैलकुलेट करना है और कॉज अल्फा प्लस बीटा वो भी कैलकुलेट करना है और यहाँ हमारे पास टेन अल्फा की वैल्यू है और कॉज बीटा की वैल्यू है सवाल थोड़ा और उसने बड़ा कर दिया है क्योंकि हमें जब ये कैलकुलेट करना है तो इसमें फिर वही जब हम इनके फार्मूले खोलेंगे तो साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा वो चारों वैल्यूज़ जो पीछे हमने एक सवाल में किया था इसी तरह से ठीक है तो वो चारों वैल्यूज़ हमें चाहिए लेकिन जो हमें वैल्यूज़ दे रहा है वो टैन अल्फ़ा जो एंगल है उसका टेन सिर्फ दिया है मतलब ये कि अल्फ़ा वाले एंगल का हमें साइन भी कैलकुलेट करना है काज भी कैलकुलेट करना है और बीटा वाले का कॉस चलो शुक्र है उसने वो दे दिया है तो सिर्फ इसी यहीं से साइन कैलकुलेट कर लेंगे एक तो ये बात हुई कि ये हमें करनी है और यहाँ उसने ना कुछ इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा भी दी हुई है कि ये हमारे जो अल्फा और बीटा है ना दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नहीं आते तो जब फर्स्ट में नहीं आते तो कहाँ आते हैं वो हमें ज़रा देखना पड़ेगा अब देखें अल्फा टेन अल्फा पॉजिटिव है तो टेन जो है वो कहाँ पॉजिटिव होता है वो आप इस वाली चीज़ के अंदर दोबारा चेक कर लें तो टैन थर्ड के अंदर पॉजिटिव होता है तो फिर इसका मतलब जो हमारा अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में है ये साथ लिख लें अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर है बीटा जो है कॉज वाला बीटा वो पॉजिटिव है तो कॉज कहाँ पॉजिटिव होता है वो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो हम कह देंगे कि हमारा जो बीटा एंगल है वो चौथे क्वाड्रेंट में आता है और ये सारी चीज़ें इसलिए ज़रूरी हैं कि जब हमने साइन एल्फ़ा साइन बीटा कॉज एल्फा कॉज बीटा फाइंड करना है ना तो हमें पता हो कि इनके जो साइन हैं जो सिंबल हैं वो क्या लगने हैं सो बहर अब देखें हमारे पास चूँकि टेन है अल्फा के अंदर तो हम टेन से कैसे साइन और काज़ ले सकते हैं टैन का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए कि वन प्लस टैन स्केयर एल्फा इज़ इक्ल टू तो सीकेंट स्केयर ये फार्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है इस फार्मूले को यूज़ करके सीकेंट हम फाइंड कर लेंगे तो टैन की वैल्यू है हमारे पास थ्री ओवर फोर वो हम यहाँ लगाएंगे थ्री का ज़ाहिर ऊपर स्केयर लेना ना तो थ्री का स्केयर नाइन हो गया फोर का सिक्सटीन हो गया और ज़ाहिर है ये वन प्लस नाइन ओवर सिक्सटीन है तो फिर हमें एल सी एम ही लेना पड़ेगा सिक्सटीन वन जर सिक्सटीन सोलह और नौ पच्चीस पच्चीस बटा सोलह और चूँकि स्केयर है तो स्केयर को अब अंडर रूट लें तो फिर ये क्या हो जाएगा पाँच बटा चार ठीक है ना लेकिन ये चूंकि सीकेंड है तो सीकेंड को उल्टाएं ताकि वो काज बन जाए हमें तो काज चाहिए तो ये जब उल्टेगा तो फोर ओवर फाइव आ जाएगा सो ये देखें हमने इसको फिर फोर ओवर फाइव कह दिया और चूंकि ये हमारा अल्फा जो था वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और वहाँ सिर्फ टेन पॉजिटिव होता है तो फिर अल्फा का जो साइन आएगा और जो काज आएगा दोनों का जो अलामत है ना वो माइनस में लिखी जाएगी क्योंकि सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है उसका थर्ड के अंदर तो इसलिए इसके साथ माइनस साइन लगा लेंगे और जबकि काज ऑफ एल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया है तो इसी से साइन ऑफ़ एल्फा भी कैलकुलेट किया जा सकता है वो आप यहाँ देख लें वो मैंने पहले बीटा उसका निकाल लिया तो इसको पहले आप ये देख लें तो साइन ऑफ़ एल्फा के लिए वही फार्मूला वन माइनस कॉज स्केयर एल्फ़ा अंडर रूट तो कॉज की वैल्यू हमने ये लगाई है ना फोर ओवर फाइव वो आप लिखें इसकी जगह फोर ओवर फाइव स्केयर लें सोलह बटा पच्चीस पच्चीस वन हजार ट्वेंटी फाइव में से सोलह निकाल दें नाइन और इसका अंडर रूट लें तो थ्री ओवर फाइव और देखें यहाँ पे भी माइनस लगाया अल्फा का कॉज भी नेगेटिव साइन भी नेगेटिव रह गया बीटा और बीटा में देखें आपके पास सिर्फ कॉज बीटा दिया हुआ है तो कॉस बीटा से डायरेक्ट हम साइन बीटा निकाल लेंगे वो हमने ये निकाला है साइन बीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्केर बीटा यहाँ पे भी सारे उसकी वैल्यू स्केयर लेके लिखेंगे पच्चीस बटा वन सिक्सटी नाइन हो जाएगी वन सिक्सटी नाइन वन जार वन सिक्सटी नाइन उसमें से पच्चीस निकाल दें वन 144 फोर वन फोर्टी फोर ट्वेल्व का होता है कैलकुलेटर में आप कर सकते हैं और यहाँ पे भी इसने नेगेटिव होना है क्योंकि सिर्फ यहाँ पे कॉज चूंकि पॉजिटिव हो गया हुआ था देखना कॉज पॉजिटिव है तो इसलिए साइन हो या टैन हो उसने फिर नेगेटिव हो जाना है तो ये फिर नेगेटिव क्योंकि देखें एक क्वाड्रेंट में एक टाइम पे एक ही चीज़ पॉजिटिव हो सकती है अगर टैन पॉजिटिव हो गया ना तो फिर साइन और कॉज दोनों ने नेगेटिव होना है और अगर यहाँ कॉज पॉजिटिव है तो फिर साइन और टैन दोनों ने नेगेटिव होना है तो इसलिए ये हम नेगेटिव लिख रहे हैं अब कैलकुलेशन मेन काम थी ये हो गई है अगला काम इजी है कि आपने साइन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करना है उसका फिर उसी तरह पूरा फार्मूला लिख लें साइन अल्फा कॉज बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा और इन चारों की वैल्यूज़ अब हमारे पास चूँकि हैं वो अब वैल्यूज़ लगा दें ठीक है अब यहाँ से फिर भी फाइव फाइव कटेगा थ्री ओवर थर्टी माइनस भी साथ है ये दोनों माइनस प्लस हो गए ट्वेल्व फोर्स फोर्टी एट ओवर सिक्सटी फाइव फिर इन दोनों का एलसीएम सिक्सटी फाइव एलसीएम थर्टीन फाइव हज़ार फाइव थ्री हज़ार एंड सो वन जैसे करते हैं और फोटी एट में से वो निकाल दें तो ये आ जाता है आंसर बाज अगेन आपके अच्छे कैलकुलेटर हो ना तो ये चीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं होती आप इन दोनों को डायरेक्ट लिखें कैलकुलेटर के अंदर बटे वाला ऑप्शन होता है कैलकुलेटर में तो वो आपको डायरेक्ट आंसर दे देती है अच्छी चीज तो इसलिए ये काम भी हो सकता है अगर आपके पास अच्छा कैलकुलेटर है तो बहरहाल आगे चलेंगे और आगे काज भी हम फाइंड कर सकते हैं कॉज अल्फा प्लस बीटा फार्मूला लिखा वैल्यूज़ लगाई और उसे सॉल्व करने चल पड़े दो माइनसेस प्लस हो गए एक माइनस रह गया और ये माइनस भी है फाइव फाइव कट गया फोर ओवर थर्टीन और इसका भी एलसीएम कर 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 करा के ये आ जाता है आंसर ठीक हो गया अब इसके सेकेंड पार्ट पर चलते हैं ये पार्ट वन था हमारा अब यहाँ पर भी उसी तरह उसने कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं टेन एल्फ़ा की वैल्यू है साइन बीटा की है तो अगेन हमें क्या चाहिए साइन और काज़ चाहिए अल्फा में भी और बीटा में भी बीटा में चूंकि साइन है यहीं से हम उसका काज़ बड़े आराम से फाइंड कर सकते हैं और जब अल्फा के लिए जाना है तो फिर वही क्योंकि ये टैन है एग्जैक्ट पिछले सवाल की ज़रा कि यहाँ से पहले हम सीकेंट निकाल लेंगे सिकेंट से काज़ बन जाएगा और काज़ का फार्मूला लगा के साइन भी निकल आएगा सो तो देखें पहले टैन के लिए हम उसको सॉल्व करवा रहे हैं एल्फा के लिए तो वन प्लस टेन स्केर एल्फा सीकेंड स्केर एल्फा पिछले सवाल की तरह तो टेन की वैल्यू लगाएंगे पंद्रह बटा आठ पंद्रह का दो सौ पच्चीस आठ का चौंसठ ये प्लस है बीच में तो सिक्सटी फोर और टू टू फाइव टू एटी नाइन टू एटी नाइन ओवर सिक्सटी फोर का अंडर रूट लें तो सेवनटीन ओवर एट secant तो उल्टें क्योंकि कॉज लेना है एट ऊपर सेवनटीन नीचे तो एट ओवर सेवनटीन अलामत उसी तरह से चेक कर लें ये किस क्वाड्रंट में आती है ठीक है ये मैंने लिख दिया इसको ये देखें ऐसे करके आप खुद भी बनाएं और देखेंगे कैसे कहाँ आता है ठीक है तो ये हमारा आ जाएगा नेगेटिव और साइन एल्फ़ा अब काज अल्फा निकल आया तो साइन एल्फ़ा वन माइनस कॉज के एल्फा और कॉस के लिए जो एट ओवर सेवनटीन है उसका हम स्केयर ले लेंगे माइनस है बीच में तो टू एटी नाइन में से सिक्सटी फोर माइनस हो जाएगा टू टू फाइव अंडर रूट लें फिफ्टीन ओवर सेवनटीन और यहाँ पे अल्फा जो है साइन का वो पॉजिटिव आ जाएगा ठीक है कॉस बीटा लेना है साइन बीटा आपके पास पहले से पड़ा हुआ है तो यहीं से फार्मूला लगाएं माइन माइनस साइंस के बीटा और उसकी वैल्यू फिर वही देखें एक ही बार बार चीज़ होती है तो ये बड़े आराम से हो जाता है ये आपके सामने ही है और इसके साथ भी नेगेटिव साइन लगा लें अगले कला काम वही है साइन का फार्मूला पूरा लिखें वैल्यूज़ लगाएं सारी प्लस माइनस कराएँ बुलाबला जैसे भी है तो ये सारा भी हो जाता है क्योंकि पिछले पार्ट की तरह ये सारा सही हो गया और यहीं से कॉज का भी उसने कहा हुआ भी कॉज भी फाइंड कर दो तो वो भी आपके सामने ही है सही है ऐसे हो जाएगा अब चलें जी इलेवन वाले क्वेश्चन पे यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है अच्छा सवाल है ये मज़े का सवाल है पेपर में भी आता है कि कॉज एट डिग्री है साइन एट डिग्री है नीचे भी वही चीज़ है ऊपर नेगेटिव है नीचे पॉजिटिव है और इधर है टेन अब देखें वही बात है साइन काज को हल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो पहले ही सिंपल फॉर्म में है तो इसलिए इस चीज़ को आप ले ठीक है तो हम राइट हैंड साइड को लेंगे टेन थर्टी सेवन डिग्री और एक छोटी सी ट्रिक लगाएंगे सैंतीस डिग्री है ना तो पैंतालीस में से आठ निकालें तो सैंतीस होता है तो आप थर्टी सेवन की जगह ये लिख दें फोर्टी फाइव माइनस एट ठीक हो गया अब जब ऐसे लिख लिया है तो टेन का फार्मूला लगा सकते हैं टेन फोर्टी फाइव माइनस टेन एट और नीचे वन प्लस टेन फोर्टी फाइव एंड टेन एट ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव होता है अगर यहाँ नेगेटिव हो तो अगर यहाँ पॉजिटिव होगा तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव पहले भी बता चुका हूँ टेन फोर्टी फाइव वन होता है तो यहाँ पे भी वन हो जाएगा इधर भी वन हो जाएगा वन माइनस टेन एट वन प्लस टेन एट क्योंकि इस तो वन है सो so, देखें वन माइनस टेन वन प्लस टेन हो गया और टेन की वैल्यू वो करें आप साइन ओवर cos इधर भी साइन ओवर cos नीचे भी साइन ओवर cos और फिर डेफिनेटली एलसीएम cos एट वन are cos एट हो गया माइनस और साइन एट वैसे ही और cos एट उसका, उसका एलसीएम है ठीक है यही चीज़ नीचे होनी है और उस तरह से फिर ये दोनों कट जाएंगे ये ओवर में ये वो आप लिख दें और यही चीज़ हमारी साइड थी तो देखें कितने आसानी से और मज़े से ये 11 वाला हो जाता है प्रैक्टिस आपको बार बार करनी पड़ेगी आ जाए जी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व के ऊपर यहाँ उसने ये कहा हुआ है कि आपके पास तीन एंगल्स हैं अल्फा, बीटा गैमा किसके एंगल्स हैं एक ट्राई एंगल के ए बी सी के और वहाँ से ये शो कराना है caught, two, caught, काट अल्फा ओवर टू प्लस काट बीटा ओवर टू वही सारे कॉट इधर हैं वही सारे कॉट इस साइड पर हैं लेकिन यहाँ पे प्लस हो रहे हैं यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये चीज़ हमें डिवेलप करनी है वो किस तरह से आप इसी बेसिक चीज़ को लें बड़ा आसान है सवाल मसला कोई नहीं है इसमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा वन एटी होता है ना एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम एक सौ अस्सी डिग्री होता है तो हम ये लिख सकते हैं दो पे डिवाइड कराएं इधर भी ओवर में टू लगा दें इधर भी ओवर में टू ना जाहिर है एक सौ अस्सी को टू पे डिवाइड करें तो नाइन्टी बनता है सही है ना तो वो लिख लिया अब इधर ओवर में जो टू है सारों के नीचे टू है तो वो सब का कर दें अल्फा ओवर टू बीटा ओवर टू गैमा ओवर टू ऐसे लिख दें और इधर 90 है और एक एंगल को उठा के उधर ले जाएं गैमा ओवर टू को इधर ले आए 90 माइनस गैमा ओवर टू डन हो गया अब चूंकि हमें ये ये चीज़ प्रूव करनी है ना जिसमें कार्ड है तो कार्ड ज़ाहिर है कहाँ से आ सकता है टैन से तो हमें फिर क्या करना है दोनों तरफ टैन लेना है टेकिंग टैन ऑन बोथ साइड्स इस साइड में भी टैन लिख लिया इधर भी टैन लिख लिया स्टेप बन गया अब टेन नाइन्टी माइनस एल गेमा ओवर टू जो है टेन नाइन ये नाइन्टी पाई बाई टू है ना तो ये फार्मूला होता है कि पाई बाई टू यानी कि नाइन्टी हो तो फिर वो टेन काट में कन्वर्ट हो जाता है और यही एंगल साथ आता है उसका ये भी फार्मूला है पीछे ठीक है और यहाँ चूँकि टेन दो एंगल्स का है तो दो एंगल्स का फार्मूला टेन अल्फा ओवर टू प्लस टेन बीटा ओवर टू वन माइनस जैसे भी पिछले सवाल में लगाया तो ये फार्मूला लिख लेंगे अब चूंकि हमें काट चाहिए हर जगह काट काट होना चाहिए तो जहाँ जहाँ टेन है आपके पास उसको वन ओवर काट वन ओवर काट कर दें आप देखें ऐसे करके ये स्टेप बन जाएगा वन ओवर काट अल्फा वन ओवर काट बीटा वन माइनस वन ओवर ऐसे करके तो ये आपका ओवरऑल चीज़ बन जाएगी अब इसको थोड़ा हल करते हैं क्योंकि ये ओवर ओवर हैं सारे तो ऊपर भी एलसीएम नीचे भी एलसीएम ठीक है तो एल्शियम में फिर वही है ये क्रॉस हो जाएगा ये इसके इधर चला जाएगा ये इधर चला जाएगा और ओवर में ये दोनों आएंगे और वो कट जाते हैं ठीक है क्योंकि लास्ट टाइम भी पीछे देखा था ना चीज़ें कट जाती हैं एक हल्का सा मैं आइडिया आपको दे देता है ये जो अभी देखें जैसे ये किया था ये ऊपर था ना इसका एल्शियम लिया इसका एल्शियम लिया तो जो ओवर में ये चीज़ें आती थी दोनों का एल्शियम वो ख़त्म हो जाता है तो यहाँ मैंने उसको डायरेक्ट करवा दिया इस जगह पर क्योंकि काट बीटा ओवर टू यहाँ आ गया काट अल्फा ओवर टू इधर आ गया तो ओवर में जो एल्सीयम बनना था वो नीचे वाले में भी वही बनना है वो कट जाता है और नीचे आए तो ये दोनों ये दोनों उसके साथ आएंगे ना काट अल्फा ओवर टू काट बीटा ओवर टू वन ज़ार यही आ गया माइनस और ये चूंकि इसके ऊपर देखें वन वन जार वन है तो इधर भी खाली ही वन क्योंकि ये तो चला गया ना उधर और बाकी एल्शियम के साथ ऊपर उसने कट जाना है तो ये स्टेप बन जाता है अगर प्रॉपर समझ नहीं आती तो हाल एक स्टेप बना लें वो जो उसका एल्सीम का तरीका होता है वो आप कर लें अगर डायरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छी बात है अब क्या होगा कि ये जो ओवर बनी है ना ये ले जाए उस साइड पे, उधर जाके उसने उससे मल्टीप्लाई होना है ठीक है तो कार्ड गैमा ओवर टू लिख के अब ये भी मैंने डायरेक्ट ही कर दिया यहाँ वैसे मुझे स्टेप करने चाहिए थे मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट ही कर दिए हैं ये कॉड गैमा ओवर टू इनसे मल्टीप्लाई होना है तो कॉड गैमा टू इन दोनों के पास आना है तो ये अल्फा ओवर टू है बीटा ओवर टू है और ये गैमा ओवर टू ये तीनों हो जाएंगे और कॉड गैमा ओवर टू वनज आर कॉड गैमा ओवर टू ठीक है माइनस भी है तो माइनस भी देखने लगा है ये ऊपर वाले वैसे और अब देखें ये दोनों प्लस के हैं ना तो ये जो नेगेटिव टर्म है इसको उठा के भी इधर ले आए तो अल्फा बीटा और ये वाला गैमा तो वो तीनों हो जाएंगे और ये तीनों जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो पहले ही इधर है ठीक है उनको वहीं का वहीं लिखते हैं तो इधर देखें प्लस में आ जाते हैं और इधर मल्टीप्लाई में आ जाते हैं यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी ना कि इधर प्लस प्लस हो और उधर मल्टीप्लाई में हो जाए तो ये इस तरह से हो जाता है थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आप लेकिन प्रैक्टिस है प्रैक्टिस करते करते आप पिछले सवालों को करते करते आएंगे ना तो फिर ये आसान लगेंगे क्योंकि हर चीज़ का ना लिंक होता है ऐसे नहीं होता कि आप पिछले सारे सवाल छोड़ दें और बारवें सवाल को करने बैठ जाएं क्योंकि इसमें जो स्टेप्स इन्वॉल्व होने हैं वो सारे पीछे हैं तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप करते आए जितनी प्रैक्टिस आपकी होनी है ना उतना ही आपको स्टेप जो है वो क्लियर होते चले जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन यहाँ पे भी स्टार्टिंग वही है अल्फा बीटा गैमा प्लस हो रहे हैं और 180 डिग्री है ये उसने पहले ही कह दिया है है और शो यहाँ पे भी वही करना है कॉट काट ये सारे लेकिन यहाँ दो दो काट हैं काट अल्फा कॉट बीटा उनका कम्बिनेशन है फिर बीटा और गैमा का कम्बिनेशन है फिर गैमा और अल्फा का कम्बिनेशन है और इक्वल टू वन होना चाहिए तो स्टार्ट तो हमने वैसे ही करना है अल्फा बीटा गैमा इज ईक्ल टू वन एटी यहाँ पर टू पर डिवाइड नहीं कराएंगे ठीक है हाल ही गैमा को उठा के उधर ले जाए वन एटी माइनस गैमा फिर वही पिछले स्टेप की तरह के यहाँ पर भी टैन ले क्योंकि ज़ाहिर काट बनता ही टैन से तो इस साइड पर भी टैन आ गया इधर भी टैन आ गया अब यहाँ ये यह फार्मूला है वन एटी पाई होता है टेन पाई माइनस गैमा माइनस टेन गैमा के इक्वल होगा काट नहीं बनना कार्ट कब बनना जब यहाँ पाई बाई टू नाइन्टी डिग्री हो पिछले सवाल में नाइन्टी डिग्री था इसलिए वो काट बन गया था ठीक है तो ये tan ही रहेगा और यहाँ जाहिर है टेन का फार्मूला लगाएं टेन अल्फा टेन बीटा वन माइनस टेन एल्फ़ा टेन बीटा जैसे लगाते हैं और फिर पिछले पैटर्न की तरह कि चूंकि हमें टेंस तो नहीं चाहिए हमें तो कॉट चाहिए तो हर एक टेन को कॉट कॉट बना दें वन ओवर वन ओवर टैन अल्फा है वन ओवर कॉट अल्फा टेन बीटा है वन ओवर कॉट बीटा इन दोनों की जगह पे भी वैसे ही हो जाएगा और ये भी वैसे ही हो जाएगा वन ओवर कॉट गैम अब फिर वही यहाँ पे भी आपको एल्म लेना है ऊपर भी और नीचे भी एल्सीयम लेना है ठीक है और वही बात कॉट बीटा कॉट एल्फा कॉट बीटा कॉट एल्फ़ा ऊपर बनना है वो देखेंगे मैंने स्टेप बनाया और नीचे फिर वही कॉट एल्फा बीटा इधर कॉट एल्फ़ा कॉट बीटा माइनस यहाँ वन रह जाना है तो ये देखें पिछले सवाल की तरह बिल्कुल वैसे ही और इधर तो जाहिर है ओवर बना हुआ है माइनस वन ओवर कॉट गैमा अब वही क्रॉस मल्टीप्लाई ये ओवर कॉट गैमा इनके साथ मल्टीप्लाई होना है तो कॉट गैमा इधर ले आए ब्रैकेटों के अंदर इन दोनों को लिख लें और ये दोनों जो है इन्होंने उधर जाना है माइनस वन के पास ठीक है ना माइनस वन के अंदर वो ब्रैकेट में आ जाएंगे अब करा दें मल्टीप्लाई काट गैमा काट बीटा और काट गैमा काट एल्फा और इधर माइनस क्या करेगा इनके साइन चेंज कराएगा ये चीज़ नेगेटिव हो गई और माइनस माइनस इसने प्लस हो जाना है। ठीक है और अब ये पूरा उठा के इधर ले आए क्योंकि ये नेगेटिव है इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और इक्वल टू के इधर सिर्फ वन रह गया तो वन इधर यही तो प्रूव करना था और इधर देखें ये ऑटोमेटिक वही चीज़ बन गई है जो हमें बनानी थी ठीक है तो ये भी किसी हद तक पिछले सवाल से मिलता है ठीक है तो ये बारहवा और तेरहवा ये सारे मिलते जुलते ही सवाल है तो प्रैक्टिस के साथ होगा फोर्टीन पे आ जाएंगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा और इसके भी पार्ट्स हैं अब देखें ये जो सवाल है ना यहाँ उसने फॉर एग्जाम्पल देखें ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर वन ये वैल्यू उसने दी हुई है ट्वेल्व साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा और कहता है इसकी जो शक्ल है ना वो इस तरह से बनाए आर साइन ऑफ थीटा प्लस फाइव ये इसको फाइव पढ़ते हैं ठीक है अब ये शक्ल बनानी है अब कैसे प्रोसेस होगा यहाँ इसकी तरह ट्रिक्स देख लें और यहाँ पे भी उसने वैसे कहा हुआ है कि ये जो दोनों एंगल्स है ना थीटा और फाई ये दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही हैं तो जो फर्स्ट में फिर तो मसला कोई नहीं होता क्योंकि फर्स्ट में तो सारी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं ना तो वो इशू कोई नहीं है ये अब साइड पर रखें हमें क्या करना है हमें ये करना है कि ये जो आर साइन थीटा प्लस फाई है ना इसको हमने ले लेना और साइन का ये जो फार्मूला है उसको हमने खोल लेना है आर को बाहर ही रखें और साइन का जो फार्मूला होता है साइन थीटा काज फाइव काज थीटा और साइन फाइव ठीक है ना ऐसे करके लिख देंगे और आर चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो आर दोनों को दे दें इसके साथ भी आर लिख दें इसके साथ भी आर लिख दें अब यहां पे आपने कंपेयर करवाना है ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके पास जो ओरिजिनल सवाल है ना ये वाला और जो आपके पास ये बनी है इन दोनों को कंपेयर करें देखें ये पहला पार्ट है इसका ये भी पहला पार्ट है साइन थीटा ये रहा साइन थीटा तो साइन के अलावा यहाँ क्या है बारह और यहाँ साइन के अलावा क्या है आर कॉज फाइ तो मतलब ये हुआ कि आर कॉस फाइ किसके इक्वल है बारह के ये हम लिख लेंगे साइड पे इसी तरह इधर आए कॉस थीटा कॉस थीटा है तो बाकी क्या रहेगा आर साइन फाई वो किसके इक्वल होगा 5 के तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने आगे लिख लेनी है क्योंकि ये बड़ी अहम है तो ये हमने ये लिख ली ठीक है आर कॉज फाइ बारह है आर साइन फाई जो है ये पाँच है अब यहाँ हमने ट्राई ये करनी है कि ये जो आर हम लिख रहे हैं ना इसकी वैल्यू हमें पता चल जाए उसके लिए एक एक फार्मूला या एक एक स्टेप जो है ये आपने याद कर लेना है क्योंकि हर सवाल में यही होना है टेकिंग स्केयर एंड एडिंग दोनों चीज़ों के स्केयर लेने हैं मुरब्बे लेने हैं और फिर दोनों को प्लस करना है तो क्या होगा आर स्केयर कॉस केयर फाइ प्लस आर स्केयर साइन स्केयर फाइव वो देखें ये आ गया और इन दोनों के स्केयर्स लेके भी इनको जमा करना है बारह का स्केयर क्या होता है वन फोर्टी फोर प्लस करना है और फाइव का स्केयर पच्चीस ठीक हो गया अब यहां से देखें आर स्केयर कामन लें तो जब आर स्केयर दोनों में से निकाल दें तो पीछे का रह जाता है कॉस्केयर फाइव प्लस और ये साथ साइंस केयर फाइव और इधर दोनों को ऐड करें तो एक सौ उनहत्तर और ये आपके पास बुनियादी फार्मूला है साइंस केयर थीटा प्लस कॉस्केयर थीटा किसके इक्वल होता है वन के तो इसने वन हो जाना है तो आर स्केयर इज इक्वल टू ये वन सिक्सटी नाइन और अंडर रूट लें तो आर वैल्यू आपको पता चल जाएगी थर्टीन ठीक है ये बड़ी अहम इसमें स्टेप होता है तो आर पता चल गया तेरह अब देखें यहाँ पे अगर आप ये यहाँ पे आर की जगह लगाएं तेरह तो ये जाके उधर डिवाइड कराए तो कॉज फाइव की वैल्यू हमें मिल जाती है बारह बटा तेरह ये देखें ठीक है बारह बटा तेरह काज फाइव और इसी तरह से आर की जगह यहाँ पे आप लगाएं तेरह और उधर जाके डिवाइड होगा तो साइन फाइव इज इक्वल टू फाइव ओवर थर्टीन ये साइन फाइव फाइव ओवर थर्टीन ठीक हो गया यहाँ वैसे मैंने ये टेन कैलकुलेट कर लिया है लेकिन ये सवाल की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि उसने सवाल में ये चीज़ नहीं पूछी हुई ठीक है ये चीज़ आप छोड़ दें आप आर फाइंड करके आगे आप ये दोनों फाइंड करें कॉज़ फाइव की वैल्यू लिख लें साइन फाइव की लिख लें अब आपने ओरिजिनल सवाल पर आ जाना है ओरिजिनल सवाल था ट्वेल्व साइन थीटा प्लस फाइव कॉस थीटा ये सवाल में आप देखें रकम देखें क्वेश्चन नंबर वन जो पार्ट वन है अब चूंकि हमें आर का पता चल गया हो रहा तेरह है तो आपने क्या करना है इसके बाहर इसके बाहर ऊपर भी तेरह नीचे भी तेरह लिख देना है अंदर वही रकम है जो ये है ये सारी की सारी वही है लेकिन हमने ट्रिक क्या यूज़ करनी है ऊपर भी तेरह लिख देना नीचे भी तेरह अब करना ये है कि जो ओवर वाला तेरह है ना इसको अंदर ले जाए इसके भी जो ओवर में लिख दें इसके भी ओवर में लिख दें ठीक है तो बाहर वाला ये जो ऊपर वाला तेरा है बाहरी रहा ये थर्टीन इसके ट्वेल्व ओवर थर्टीन फाइव ओवर थर्टीन बन जाएगा ये देखें सही हो गया और ये जो अब एंड हो रहा है ट्वेल्व ओवर थर्टीन क्या चीज़ थी ये हमने अभी बनाई ट्वेल्व ओवर थर्टीन cos फाइव है तो हमने इसकी जगह cos फाइव लिख देना है और फाइव ओवर थर्टीन जो था वो हमने बनाया था साइन फाइव तो उसकी जगह पर साइन फाइव लिख दें तो अब ये फार्मूला बन गया ना वही ओरिजिनल तो कॉज फाइ साइन थीटा साइन फाइ काज थीटा तो ये साइन का फार्मूला नहीं बन रहा तो ये बाहर ये थर्टीन आ रहा है ठीक है तो उसकी जगह आर लिख दें और ये साइन का फार्मूला बन गया थीटा प्लस फाइ का तो ये ओरिजिनल वही चीज़ आ गई तो जो हमारा सवाल था उसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ठीक है जी ये थोड़ा सा माइंड घुमाएगा लेकिन अगेन प्रैक्टिस के साथ और एक सवाल पे जरा प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी ना बाकी सारे सवाल सेम है एग्जैक्ट वैसे ही होते हैं छः पार्ट हैं उसके जरा देख लें ये सवाल उसने दिया है थ्री साइन थीटा माइनस फोर कॉस थीटा अब स्टेप ये रट्टा हो जाते हैं स्टेप पहले आपने फिर वही आर साइन थीटा प्लस फाइव लिखना है आर को बाहर रख के उसका फार्मूला एक्सपेंड करना है आर से मल्टीप्लाई एग्जैक्ट वही स्टेप है और फिर इसको और इसको कंपेयर कर लें साइन थीटा छोड़ के बाकी रह जाता है आर कॉस फाइव थ्री के इक्वल ठीक है और इधर से आप देखें तो ये आर साइन फाइव जो है वो फोर के इक्वल माइनस को नहीं लेना ठीक है आर साइन फाइव फोर के इक्वल वो वैल्यूज लिख लें जब ये लिख लिया तो वही स्टेप जैसे मैंने यहाँ कहा था टेकिंग स्केयर एंड एडिंग तो यहाँ पे भी वही करना है स्केयरिंग एंड एडिंग ठीक है ना ये हर सवाल में होना है तो आर स्केयर का स्केयर फाइव आर स्केयर साइन स्केयर फाइव थ्री का स्केयर नाइन फोर का सिक्सटीन दोनों प्लस करें पच्चीस और ये मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि इन दोनों ने तो वन हो जाना ना जब आर स्केयर कामन लेना है पिछले में यही किया था हाल ही के रह जाना है और अंडर रूट लें तो आर वैल्यू फाइव आ गई और आर की वैल्यू यहाँ पुट कराएं इधर भी और इधर भी तो काज़ फाइव क्या हो जाएगा थ्री ओवर फाइव इसने ऊपर में जाना होता है ना थ्री ओवर फाइव इसने हो जाना है फोर ओवर फाइव तो वैल्यूज हमें पता चल गई कि काज़ फाइव जो है वो थ्री ओवर फाइव है साइन फाइव फोर ओवर फाइव है अब वही स्टेप ओरिजिनल सवाल को पकड़ें आ, आर का चूँकि हमें पता है कि वो फाइव है तो उस सारे के बाहर ऊपर भी फाइव नीचे भी फाइव नीचे वाले फाइव को अंदर ले जाएं जैसे पिछले सवाल में किया था थ्री ओवर फाइव हो जाएगा फोर ओवर फाइव हो जाएगा ये चीज़ जो है ये कॉज फाइव है ये चीज़ जो है वो साइन फाइव है और ये चूँकि फार्मूला बन गया लेकिन माइनस का है साइन थीटा माइनस फाइव तो ये हमने प्रूव कर लिया कि ओरिजिनल सवाल को इस शेप में तब्दील कर दिया अब अगले मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ क्योंकि सारे सेम चीज़ें ये ओरिजिनल सवाल है हमने ये आर साइन थीटा फाइव को लिया एक्सपेंड किया आर आर सात लिखा इन दोनों को कंपेयर करना है अब देखें यहाँ वन है इसके पीछे इसके पीछे भी वन है तो वो ज़ाहिर है वो चीज़ें जो हैं वो वन वन के इक्वल होनी है फिर वही स्केयरिंग एंड एडिंग वन और वन मिल के टू हो जाते हैं ना तो जब वो अंडर रूट लेना है तो उसने फिर टू का अंडर रूट तो टू ही रहेगा ठीक है अब हमें आर पता चल गया टू है तो इस जगह काज़ फाइव वन ओवर टू अंडर उड साइन फाइव वन ओवर टू अंडर उठ वो वैल्यू हम ऐसे लिख लेंगे फिर वही ओरिजिनल सवाल पकड़ें आर की वैल्यू टू अंडर उड थी वो आप ऊपर लिखें नीचे लिखें नीचे वाले को अंदर ले जाएं वन ओवर यहाँ पे वन होता है वन ओवर टू अंडर उट वन ओवर और उनकी जगह काज़ और साइन फाइव लगाएं और फिर वही शक्ल बना दें सेम स्टेप्स आगे भी देख लें ज़रा फोर वाला पार्ट सेम है ये चीज़ सवाल है आर साइन थीटा ये हमने उसको एक्सपैंड किया ये लिखा कंपेयर किया ठीक है चार और पाँच आ गया स्केयरिंग एंड एडिंग सेम स्टेप देखें प्रैक्टिस करने से आपको देखें कितना फ़ायदा होता है आपको पता चल जाएगा अजबर हो जाते हैं स्टेप तो ये पच्चीस और सोलह फोर्टी वन फोर्टी फाइव वन का अंडर रूट लेना है ये आर बन गया फोर्टी वन और उधर वैल्यूज़ लगा के साइन फाइव और काज फाइव का हमें पता चल गया और फोट वही ओरिजिनल सवाल को लें उधर वैल्यूज़ लिखें नीचे वाले को अंदर ले जाएं उन्होंने काज और साइन फाइव बन जाना है और वो चीज़ सही हो क्या सेम स्टेप्स आगे चलें जी फाइव वाला पार्ट ये भी सेम है जैसे अभी हमने ये पांचवा पार्ट एग्जैक्ट जो है वो थ्री पार्ट की तरह सिर्फ यहाँ नेगेटिव है और वहां पॉजिटिव है ठीक है तो जस्ट मैं आपको दिखा देता हूँ गो थ्रू करा देता हूँ क्योंकि ये बिल्कुल सेम स्टेप है सिर्फ वो प्लस माइनस का ही फर्क है बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही ठीक है कहीं पे आपको लगे प्रॉब्लम तो आप स्टेप्स देख लीजिएगा कैसे हुए हैं वरना आप खुद करके देखें सही हो गया और सिक्स वाला पार्ट भी शायद ये आखिरी पार्ट है ये भी सेम है जस्ट देख लें क्योंकि दो तीन दफ़ा मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दी हैं स्टेप्स ठीक है हर जगह वैसे ही होने तो ये हम गो थ्रू करा रहे हैं स्लोली स्लो मोशन के अंदर ठीक है सही हो गया ना ये देखें कैसे स्लो मोशन चल रही है मेरे हाथों से हो रहा है चलें जी सही हो गया आई थिंक ये डन है चलें तो ये है जी टेन पॉइंट टू इनशाला बाकी में मैं बनाता हूँ मेहनत बड़ी लगती है ये फर्स्ट ईयर के मैथ के ऊपर क्योंकि बहुत लंबे लंबे सवाल हैं ये दो दिन लगे हैं मुझे सारा लिखते हुए हालांकि मुझे छुट्टी थी ठीक है जी बच्चों फिर ओके अल्लाह हाफिज